ESPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल देर शाम लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रामविलास पासवान का निधन न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे राजनीतिक जगत और देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। किसने दिया था ये नाम उन्हें और क्यों उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। ये उपाधि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दी थी। एक नहीं छह VP सिंह, HD देवेगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में काम करने वाले रामविलास पासवान ने करीब 12 सालों तक बिहार और पूरे देश में गुजरात दंगों और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। बाद में उन्हीं की सरकार में मंत्री भी बने। बिहार से लालू राबड़ी को राज्य की सत्ता से बाहर करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन अब पहले जान लेते हैं कि उन्हें राजनीति के मौसम वैज्ञानिक की उपाधि कैसे मिली। साल 1994 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ विद्रोह कर समता पार्टी बनाई तो रामविलास पासवान लालू यादव के कब्जे वाली जनता दल पार्टी में ही रहे और अगले साल 1995 में विधानसभा चुनावों में जब भारी बहुमत से लालू यादव की जीत हुई तो लोगों को समझ आया कि पासवान अपने उस फैसले पर सही थे। उसके बाद जब लालू यादव ने चारा घोटाले में नाम आने पर 1997 में अपनी नई पार्टी RJD बना ली, उसके बाद भी पासवान शरद यादव के साथ जनता दल में ही बने रहे और 1998 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि तब उन्हें आभास हो गया था कि अब उन्हें लालू या NDA में से किसी एक को चुनना होगा। फिर जनता दल और समता पार्टी का विलय होकर जनता दल यूनाइटेड बनी और 1999 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को इस नए गठबंधन के सामने हार स्वीकार करनी पड़ी। कोयला मंत्रालय मिलने से नाराज रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से गुजरात दंगों को आधार बनाकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ऐन वक्त पर उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उस समय RJD को लोकसभा की केवल 7 सीटें मिली, लेकिन अगले ही साल विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड में विभाजन हो गया और लालू यादव कांग्रेस पार्टी की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो गए। पासवान ने भी अपनी नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। केंद्र में जो NDA की सरकार बनी थी उसमें रामविलास पासवान संचार मंत्री थे, लेकिन कुछ कारणों से मंत्रालय उनसे 2 सालों में ही छीन लिया गया था और उन्हें कोयला मंत्रालय दे दिया गया, जिससे वो काफी नाराज थे। तभी उन्होंने गुजरात दंगों को आधार बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पासवान NDA में बने रहे और 2004 के लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर जब पड़ोस में रह रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके घर पैदल चलकर गईं तो उन्होंने फिर से UPA का हाथ थाम लिया। पासवान ने एक बार फिर बिहार में लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पिछले लोकसभा चुनावों का परिणाम पलट डाला। इस बार नीतीश कुमार अपने परंपरागत बाढ़ सीट से भी हार गए। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो लालू यादव के कारण उन्हें रेल मंत्रालय नहीं मिल पाया। अब इधर साल 2005 में मनमोहन सरकार केंद्र में आई तो रामविलास पासवान को रेल मंत्रालय नहीं मिला। इससे वो बेहद खफा हो गए और उन्होंने साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के साथ दो हाथ करने की ठान ली थी। 2005 के फरवरी में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। ये पहली बार हुआ था कि जो लोग केंद्र में सहयोगी थे वो राज्य में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पार्टी को 29 सीट आई, इस कारण त्रिशंकु विधानसभा का परिणाम आया। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं रही, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। कुछ ही महीनों के बाद लालू यादव के दबाव में जब विधानसभा को भंग करने का केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया गया तब रामविलास पासवान उससे दूर रहे। हालांकि 2005 के अक्टूबर नवंबर में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में उन्हें मात्र 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। राज्य में नीतीश कुमार की सरकार बनी, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एकला चलोरे की नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2009 में मजबूर होकर रामविलास पासवान को लालू यादव के साथ एक बार फिर से तालमेल बिठाना पड़ा और इस साल का चुनाव वो हार गए, उन्हें कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं मिला। सत्ता में आने के साथ ही नीतीश कुमार ने दलितों में पासवान जाति के वर्चस्व के खिलाफ महादलित नाम का पासा फेंक दिया और उनके लिए विकास के कार्यक्रम जब शुरू किए तो रामविलास पासवान इससे काफी नाराज हुए। पासवान एक बार फिर लालू यादव के साथ तालमेल बनाने पर मजबूर हो गए। हालांकि इसका लाभ उन्हें राजनीतिक रूप से खासकर चुनाव में नहीं मिला।
2009 का लोकसभा चुनाव वो हार गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को मात्र 3 सीटें ही मिली। और फिर आया साल 2014। ये वो समय था जब लालू यादव पासवान को अपने साथ विलय करने पर बार बार अपमानित कर रहे थे और उधर नीतीश कुमार ज्यादा सीटें मिलने के अपने ही आत्मविश्वास में चूर थे, जो पासवान को कतई पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने एक मिनट की भी देरी नहीं की और मोदी सरकार में शामिल हो गए और केंद्र सरकार का हिस्सा बन गए। साल 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले जब लालू यादव उन्हें सीटों के तालमेल पर अपमानित करने लगे और नीतीश कुमार अपने बलबूते ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के विश्वास में डूबे रहे, तब रामविलास पासवान ने एक क्षण में बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई देर नहीं लगाई। तब उनका ये तर्क था कि 12 साल हो गए, इस दौरान काफी कुछ बदल चुका है और फिर से पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा हो गए। खैर, ये बात और है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही LJP NDA से अलग हो गई है। इसके लिए चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बगावत नीतीश कुमार से है, बीजेपी से हमारा कोई बैर नहीं है। उधर बीजेपी ने LJP के NDA से अलग होने का ठीकरा चिराग पासवान के सिर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर रामविलास पासवान अगर स्वस्थ होते और यहाँ होते तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 News को जरूर सब्सक्राइब करें।